दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। और आज की बात में हम आज ही की बात करेंगे। और आज 25 जून है। 25 जून 45 साल पहले इसी दिन 1975 में हमारे देश में एक इमरजेंसी लागू की गई थी। इमरजेंसी जो श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू की गई और उसकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतिहास में आपने पढ़ा है, हमने तो उस इतिहास को घटित होते हुए देखा है, हमने थोड़ा बहुत झेला भी है। लेकिन हमारे बहुत सारे जो और दोस्त हैं उस समय के, उन्होंने कुछ ज़्यादा झेला था। देश के जो राजनेता थे, खासकर विपक्ष के, उन्होंने भी झेला था और काफ़ी झेला था। लेकिन दोस्तों तब और आज, यानी अगर आप उसको आपातकाल हिंदी में कहते हैं तो इसको आप आफतकाल कह सकते हैं। वो 20वीं शताब्दी का आपातकाल था, तो इसको आफतकाल अगर नहीं तो विपत्ति काल भी कह सकते हैं 21वीं शताब्दी का। तो 20वीं शताब्दी के आपातकाल में और 21वीं शताब्दी के इस आफतकाल में क्या बुनियादी कोई रिश्ता है, क्या कोई समानता है, क्या दोनों की पृष्ठभूमियों में कोई एक रूपता है या बिल्कुल नहीं है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि हूबहू एक जैसी चीजें हैं, बिल्कुल नहीं। इतना मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन चीजों का नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे कहानी कुछ और थी। उसके पीछे कहानी ये थी कि एक आंदोलन चल रहा था छात्र युवाओं का, खासकर 2-3 स्टेट्स में काफी स्ट्रांग होता जा रहा था। एक क्राइसिस बनती जा रही थी, एक संकट की स्थिति बनती जा रही थी। उसी दरमियान एक बहुत महत्वपूर्ण चुनावी फैसला आ गया। चुनाव जो लड़ा था मिसेस गांधी ने, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो जगमोहन लाल सिन्हा, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की जो बेंच थी, उसने उनको खारिज कर दिया और पाया कि उन्होंने ऐसे ढंग से चुनाव लड़ा जो वैध नहीं था, जो कानून सम्मत नहीं था, जो संविधान सम्मत नहीं था। और इसी के बाद जो कुछ हुआ वो भारत के इतिहास में इमरजेंसी की जो पृष्ठभूमि है उसको तत्काल तय। 12 जून को वो फैसला किया गया था हाईकोर्ट के उस बेंच का, और 25 जून आते आते इमरजेंसी लग गई। हालांकि मिसेज गांधी की सत्ता बरकरार रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जो एक समर वेकेशन था और जो वेकेशंस जज थे उन्होंने उनको, जो राहत दी, कृष्ण अय्यर साहब थे, बहुत ही रिप्यूटेड जस्टिस, और उन्होंने उनको एक राहत जरूर दी कि वो अपनी सत्ता पर बनी रह सकती हैं लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन आज जब हम देखते हैं पीछे की उस कहानी को, तो भारत को और भारत के लोकतंत्र को, भारत के समाज को तब और आज के, अगर ढंग से देखा जाए, आज के संदर्भ से देखा जाए, अगर हम वर्तमान के चश्मे से अतीत को देखें और अतीत के सबक से वर्तमान को पर नजर डालें, तो क्या चीजें सामने आती हैं? दोस्तों सबसे बड़ी जो बात सामने आती है कि उस वक्त जो सत्ताधारी थे, जो खासकर मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लूंगा, कि उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए इमरजेंसी का सहारा लिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके सलाहकारों ने जिस तरह उनको, क्योंकि वो प्रचंड बहुमत से आई थी, आपको याद होगा बांग्लादेश बना था 1971 में और ये क्राइसिस प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन 74 आते आते क्राइसिस बन गई और 75 में इमरजेंसी लागू हो गई। तो वो जो सलाहकारों ने उनके या स्वयं उन्होंने जो फैसला किया वो निहायत ही गलत फैसला था, और उससे भारत के इतिहास में तीसरी बार मैं कहूँगा कि इमरजेंसी लागू की गई। इसके पहले जब भी इमरजेंसी के प्रावधानों का जो हमारे संविधान में है उनका इस्तेमाल किया गया, वो केवल युद्ध में या युद्ध सदृश परिस्थितियों में हुआ। एक बार इंडो चाइना वार के समय हुआ, दूसरा बांग्लादेश के समय हुआ, बांग्लादेश युद्ध के समय हुआ, और तीसरा ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर जिसको कहा जाता है, वो उसके पीछे ये कहानी थी दोस्तों। लेकिन आज की परिस्थिति अगर आप देखें तब से अब तक, तो बिल्कुल फर्क नजर आता है। वो एक राजनीतिक परिघटना वो भी थी। आज जो कुछ हो रहा है आज भी एक राजनीतिक परिघटना है, जब लोगों के मानवाधिकारों का, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोटा जा रहा है। और इसमें केवल COVID-19 का जो दौर शुरू हुआ है, सिर्फ कहानी वहां से नहीं शुरू होती है कि कोई ये कह सकता है कि ये केवल पैंडेमिक की वजह से
केवल एक महामारी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। सन 2014 के बाद से सिलसिलेवार जो कुछ भारत के समाज में, भारत के लोकतंत्र में, भारत की राजनीतिक सत्ता संरचना में जो कुछ घटित होता हम देख रहे हैं, हम अगर उसकी पूरी कहानी को देखें तो कोविड 19 के इस दौर में जो कुछ नया घटित हो रहा है और दोनों जो एक मर्ज कर गए हैं, दोनों का एक जो समुच्चय बनकर सामने आया है वो बहुत ही खतरनाक है। और बेशक संविधान के किसी खास आर्टिकल का सहारा लिया न जा रहा हो, लेकिन बहुत सारे जो कानून हैं हमारे, बहुत सारे जो एक्ट हैं, खासकर औपनिवेशिक काल के हमारे कॉलोनियल एरा के जो कानून हैं, उनका भी सहारा आज लिया जा रहा है। और सच पूछिए तो अगर उस वक्त 1975 में एक व्यक्ति एक पार्टी की सत्ता को बरकरार रखने के लिए अगर इमरजेंसी लागू की गई थी, तो आज जो मानवाधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का जो लगातार हनन हो रहा है दोस्तों, इसके पीछे भी एक राजनीतिक कहानी है। और वो है इस मुल्क को एक अजीब तरह के तानाशाही समाज में तब्दील करना, एक हिंदुत्व एक रूप राष्ट्र बनाना, एक ऐसा राष्ट्र बनाना जिसमें डाइवर्सिटी न हो, जिसमें बहुलतावाद न हो, जिसमें संवैधानिक मूल्य न हो। संविधान का ढांचा, संविधान की किताब भले ही बरकरार रहे, संविधान का नाम भले ही लिया जाए, पार्लियामेंट का नाम भले ही लिया जाए, लेकिन सारे के सारे रास्ते एक हिंदुत्व आधारित बहुलता को खत्म कर एक रूप, एक तरह के तानाशाही, एक निरंकुश किस्म के राष्ट्र के की स्थापना या एक समाज की स्थापना, एक संरचना, सत्ता संरचना को स्टैब्लिश करना, ये मकसद साफ नजर आता है दोस्तों। आप एक चीज देखिए कि हाल के दिनों में जब हमने देखा कि लॉकडाउन जब इम्पोज किया गया, अगर उसके थोड़े समय पहले आप जाएं तो देखेंगे कि देश में एनआरसी और सीए को लेकर काफी बड़े जन आंदोलन हो रहे थे, और उन जन आंदोलनों से किसी की सहमति हो असहमति हो वो अलग कहानी है, लेकिन जिस तरह उसके कार्यकर्ताओं को, जिस तरह सोशल एक्टिविस्ट को इस दौर में, खासकर कोविड 19 के इस दौर में जब कोरोना का प्रकोप पूरे देश में फैल गया है, कैसे गिरफ्तारियां उनकी हो रही हैं, एक एक कार्यकर्ता को जैसे लगता है कि टारगेट किया जा चुका है, उसकी लिस्ट बनाई जा चुकी है और क्रमशः सिलसिलेवार सबकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिनकी नहीं हुई हैं उन पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, और इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है। अगर आप देखें हाल के दिनों में तो केवल ये कहानी नहीं है कि जो इमरजेंसी में दिखाई देती थी, इमरजेंसी में मुख्य जो टारगेट थे वो कौन थे, इमरजेंसी के जो टारगेट थे, निशाने पर लोग थे, अपोजिशन के लीडर थे, राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता, कुछ एक सामाजिक भी संस्थाओं से जुड़े लोग थे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ छात्र भी थे। अब हम जानते हैं कि केरल में पी राजन की गिरफ्तारी जो हुई रहस्यमय ढंग से, उनको गायब कर दिया गया, उनकी मौत हुई, बाद में पता चला कि उनको मार डाला था पुलिस ने। लेकिन दोस्तों हाल के दिनों में जो राजनीतिक परिघटना सामने आ रही है, इस दौर में जबकि घोषित कोई इमरजेंसी नहीं है, कि राजनीतिक जो बड़े दल हैं उनके विपक्ष के बड़े राजनीतिक दल के नेताओं पर कोई और निशाने पर नहीं है। कभी कभी एफआईआर हो जाते हैं, कभी कभी कुछ मुश्किलों में भी डाला जाता है। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सबसे अधिक टारगेट, सबसे अधिक निशाने पर जो लोग आज हैं सत्ता संरचना के, वो कौन लोग हैं? वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो लेखक हैं, वो बुद्धिजीवी हैं, वो ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता करना चाहते हैं। और आज दोस्तों एक और बड़ा फर्क है मीडिया में और सियासत के रिश्तों में, सत्ता संरचना और जो हमारी हमारा जो मीडिया है, उस वक्त अगर आप देखें तो इमरजेंसी में जो मीडिया यानी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जिसको स्तंभ कहा जाता है, वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो झुक गया है, वो लगता था कि बिल्कुल वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। लेकिन दोस्तों आज हालत यह है कि लोग डरे सहमे नहीं है, और डरे सहमे जो उस समय लोग थे उनके समानांतर एक तबका मीडिया का उस वक्त भी था, प्रेस का तबका था, जो खुलकर विरोध कर रहा था और उसके कुछ बड़े जो चेहरे थे उनकी गिरफ्तारियां तक हो रही थी। लेकिन दोस्तों आज सिर्फ गिरफ्तारियां पत्रकारों की नहीं हुई हैं,
आज कुछ हत्याएं भी कुछ पत्रकारों की हुई हैं, और यही नहीं कि केवल हत्याएं हुई हैं, ये लंबा अगर 5-6 सालों के दौर में देखा जाए तो कई ऐसे महत्वपूर्ण पत्रकार मारे गए हैं। हम केवल कश्मीर और कर्नाटका की बात नहीं कर रहे हैं जहां पत्रकार मारे गए हैं, गौरी लंकेश कर्नाटक में या कश्मीर में, शुजात बुखारी, ये बड़े नाम हैं। लेकिन अगर इन नामों को के अलावा भी हम देखें जो हाल के दिनों में मारे गए इन वर्षों में, तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो छोटे शहरों में हैं, मझोले शहरों में हैं, और जो कोशिश कर रहे हैं कि रिपोर्ट करें, सच को वो सामने लाएं, ऐसे लोग मारे गए। और उन पत्रकारों के मारे जाने पर जो एक बड़ा जो एक विरोध होना चाहिए था, जिस तरह से और क्षेत्रों में होता है, वैसा नहीं हो सका। लेकिन डेमोक्रेसी तो ग्रासरूट लेवल पर कमजोर हुई। तो ये जो परिघटनाएं हैं दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वक्त मीडिया बोल रहा था, जो डरा हुआ था, जो सहमा हुआ था, उसके अलावा बोल भी रहा था। लेकिन आज मीडिया में एक बड़ा ऐसा समाज है जो भक्त के रूप में कन्वर्ट हो गया है, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो सत्ता का केवल भक्त ही नहीं है बल्कि सत्ता का हिस्सा बन गया है। वो समझता है कि जो सत्ता कर रही है वही हमारा काम है। तो ये जो मीडिया था, इमरजेंसी के दौर में हमने देखा कि डरा हुआ मीडिया था लेकिन भक्त मीडिया नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक अजीब स्थिति है मीडिया में। आपको याद दिलाऊं, इमरजेंसी में हम तारीख भी बता सकते हैं आपको कि 103 पत्रकारों ने 28 जून को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बकायदे पिटीशन पर साइन किया था इमरजेंसी के खिलाफ, और उसमें ऐसे भी पत्रकार थे, सिर्फ कुलदीप नैयर जैसे लोग नहीं थे जो मुखालफत पहले से किए जा रहे थे, ऐसे भी लोग थे जिनको माना जाता था कि जिनके रिश्ते उस वक्त की जो सरकार या सत्ता थी, यानी कांग्रेस पार्टी का पूरा जो स्ट्रक्चर था उससे करीबी रिश्ता था, लेकिन उन लोगों ने भी इमरजेंसी के मुखालफत में पिटीशन साइन किया था। आज हम देखते हैं कि बिल्कुल अलग परिदृश्य है मीडिया का। दोस्तों, उस वक्त हमने जैसा आपको बताया कि इंस्टीट्यूशंस जो थे फिर भी बहुत सारे फंक्शनल थे, और आज क्या देखते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिस तरह उनका क्षरण हुआ है, बल्कि क्षरण बहुत ही माइल्ड वर्ड है, ऐसा लगता है कि हमारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, वो जमीन में धस गई हैं। हमें ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, हम नहीं ये शब्द यूज करना चाहते हैं, लेकिन सच जो यही है, और इसको आप अगर देखें तो पूरी दुनिया इसका तमाशा देख रही है कि क्या भारत जैसा एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जिसको कहा जाता था, जिसकी उम्र भले ही ज्यादा ना हो दूसरे और यूरोपियन मुल्कों की तरह या अमेरिका की तरह, लेकिन इतने कम दिनों में ही भारत की डेमोक्रेसी को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, खासकर साउथ एशिया में, लेकिन आज वो तमाम संस्थाएं बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो केंचुए की तरह रेंग रही हैं। तो ये एक खतरनाक मंजर है दोस्तों। और बिल्कुल अंत में चलते चलते मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उस वक्त जो माना जाता है कि 1.25 लाख से अधिक गिरफ्तारियां हुई थीं, आज उतनी गिरफ्तारियां भले ना हों लेकिन सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, और जहां तक मौतों की बात है, इस लॉकडाउन में दोस्तों, इस लॉकडाउन में जो मौतें हुई हैं उनके बारे में ऐसा लगता है कि मीडिया के बड़े हिस्से में ना कोई चिंता है, ना हमारे सिविल सोसाइटी के बड़े हिस्से में चिंता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि हमारे देश का जो न्याय विधान है वहां भी उसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाई देता है। एक अच्छी बात यह हुई है कि मानवाधिकार आयोग ने एक कॉग्निजेंस लिया है, उन्होंने कॉमनवेल्थ, एक ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम की संस्था है, उसने कम से कम सारी मौतों के बारे में नहीं लेकिन 15 ऐसी मौतें जो लॉकडाउन के दौरान पुलिस अत्याचार के तहत हुई, ऐसा आरोप है, ऐसी उनकी इन्वेस्टिगेशन है, हम नहीं जानते कि यह सच है या नहीं है, लेकिन 15 लोगों की मौतों पर जो पिटीशन NHRC में दिया था उस पर उन्होंने बाकायदा 8 स्टेट्स को नोटिस भेजा है मानवाधिकार आयोग ने, और कहा है कि 15 लोगों में से पुलिस द्वारा मारे जाने के आरोप हैं कि उनको मारा गया लॉकडाउन में, और दूसरा 3 लोग जो हैं हिरासत में मरे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या आपका राय है, क्या आपके स्टेट का को क्या कहना है, इस पर उन्होंने पूछा है। 80 लोग तो ट्रेनों में मर गए, और 600-700 लोगों के बारे में कहा जाता है कि लॉकडाउन के दौरान चलते हुए मरे, जो गरीब
मजदूर थे जो अपने घरों की तरफ जा रहे थे, जिनके लिए कुछ भी नहीं था। तो लॉकडाउन के समय और कोरोना के दौर में जो कानूनों का इस्तेमाल हुआ है, खासकर हमारे देश में जो औपनिवेशिक काल के जो कानून हैं, और उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण एक कानून है दोस्तों, उसको हम बताना चाहेंगे आपसे। ये कानून जो है, मैं समझता हूँ कि इस कानून में जो इसका जो जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, और उसके अलावा जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 है, इसके जो कानूनी प्रावधान हैं बहुत सारे, और इसके जो क्लॉजेज हैं, उनका जिस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है इस दौर में। अब कल्पना कीजिए कि उत्तराखंड की मैं कहानी बताऊं कि वहाँ कुछ लड़के जिनको मालूम भी नहीं था कि वो वाकई संक्रमित हैं, वो बाहर से आए, कर्मचारी थे, कोई दिल्ली से गया, कोई कहीं से गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार ही नहीं किया गया, उनको वहाँ पर मर्डर का मुकदमा या अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे भी उन पर लादे गए, अटेम्प्ट टू मर्डर का सॉरी, और इस तरह से उनकी गिरफ्तारियां की गई। तो इस तरह के बहुत सारे और वाकये हमारे सामने आए हैं, और ऐसे ऐसे वाकये सामने आए हैं कि लोगों को बेवजह निर्दोष, क्योंकि इतना ज्यादा अधिकार ले लिया है स्टेट ने, और लोगों के मानवाधिकारों को, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को उन्होंने पूरी तरह छीन लिया है। तो आपदा से, संक्रमण से निपटने के लिए स्टेट ने अपने हाथों में इतने सारे अधिकार तो ले लिए, लेकिन लोगों के अधिकारों को उनकी उन्होंने कोई परवाह नहीं की, उन लोगों की जो वाकई बेसहारा हो गए, जो बेकार हो गए, जो बेरोजगार हो गए, अस्पतालों में जगह नहीं है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। एक तरह से कहा गया है कि आप आत्मनिर्भर हैं अपने को बचाने के लिए, या मौत को आलिंगन करने के लिए, मौत को गले लगाने के लिए। तो ये जो हाल है दोस्तों, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के अलावा जो दूसरी कहानी है वो ये है कि इस बार निशाने पर विपक्ष के नेता उतने नहीं हैं जितना समाज है, खासकर वह समाज जो मुखर है, जो असहमत है, जो गैर कानूनी जो हथकंडे हैं स्टेट के, संविधान को नोचने खसोटने या संविधान को कमजोर करने वाले जो हथकंडे हैं, उसका जो विरोध करने का साहस कर रहा है, उस पर सबसे अधिक हमला हो रहा है। चाहे वो, अब आप बताइए, आनंद तेलतुंबड़े कहां के अपराधी हो सकते हैं? एक ऐसे व्यक्ति जो लेखक बुद्धिजीवी हैं, सुधा भारद्वाज, गौतम नौलखा, अभी सपुरा जर्गर की कहानी आपके सामने आई है, एक गर्भवती लड़की जो जिसको पहला बच्चा होने वाला है, उसको भी गिरफ्तार इसलिए कर लिया गया क्योंकि वो CA NRC के विरोध में थी, उसको किसी तरह हाल में जमानत मिली है, वो भी तमाम शर्तों के बावजूद। देवांगना कलिता है, नताशा, मतलब इतनी सारी लड़कियां, इतने सारे नौजवान जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने जीवन में कभी कोई छोटी मोटी गलती भी ना की हो, अपराध तो बहुत बड़ी बात है। तो क्रिमिनलाइज करना, प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज करना, डेमोक्रेटिक ढंग से अपनी आवाज उठाने को, उनको दंगाई साबित करना और साबित करने की कोशिश करना, और जो सचमुच दंगाई हैं, जो कॉमनल राइट में जिनकी पार्टिसिपेशन की के विजुअल्स हैं, उन वो सारे के सारे छुट्टा घूम रहे हैं। तो ये कहानी आज के स्टेट की है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई वो विपत्ति काल, वो आपातकाल था, तो ये विपत्ति काल है, ये आफत का काल है, जिसमें उन तमाम कानूनों का स्टेट अपने अपने ढंग से, अपने हित में, अपने राजनीतिक और सांगठनिक हित में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जनता के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जीने के, खाने के, रहने के, काम के, शिक्षा के, उनका गला घोटा जा रहा है। और सच बात तो यह है कि आज के कोरोना के इस दौर में मनुष्यता जो हमारे समाज और देश की है, उसको जिस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है लोगों को, बेहाल लोग हैं, लेकिन कोई शासकीय इकाई पूछने वाली नहीं है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान, क्या उसका जमीनी स्तर पर क्या कोई उपयोग हुआ है, क्या कोई उसका उपयोग प्रयोग हुआ है, नोबडी नोज। लोगों के हाथ में कहाँ पैसा गया है, जबकि यूरोप और अमेरिका का हाल देखिए, उनके हाथ में पैसा आया है, सीधे उनके हाथ में पैसा आया है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, मैं समझता हूँ कि आपातकाल को याद करना बहुत ज़रूरी है, हम उसको भूल नहीं सकते, दुःस्वप्न की तरह बार बार वो हमको याद दिलाता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत नहीं हैं।
हमारे पास एक खूबसूरत संविधान है, लेकिन उस संविधान को जमीनी स्तर पर चूंकि लागू नहीं किया गया, हमारी सोसाइटी में गैर बराबरी बनी रही, हमारी सोसाइटी में डेमोक्रेटिक कॉन्शसनेस का विस्तार नहीं हुआ, वर्ण और धर्म से लेकर और तमाम संकीर्णताओं का जो दलदल है वो फैलता गया। लिहाजा आज हम इस हालत में हैं कि कभी भी प्रचंड बहुमत से आई हुई कोई सरकार हमारे संवैधानिक अधिकारों को दबोच लेती है और हमें कहने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं होता है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।